नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा सूबे के पीएचईडी मंत्री ने किया बाबा खोनहर नाथ तोरण द्वार का उद्घाटन, चार दीवारी व सड़क की रखी आधारशिला। गढ़वा विधायक एवं झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर बाबा खोनहर नाथ तोरण द्वार का फीता काटकर एवं पूजा अर्चना कर विधिवत उद्घाटन किया। शहर के सीमावर्ती गिजना गांव स्थित बाबा खोनहर नाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए गढ़वा शाहपुर मार्ग पर तिलदा गाँव में बने तोरण द्वार का उद्घाटन किया, जबकि पीडब्ल्यूडी मुख्य पथ से बाबा खोनहर नाथ मंदिर का पथ निर्माण का मंत्री ने पूजा अर्चना कर एवं नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण के साथ साथ भव्य भंडारा कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि तोरण द्वार का निर्माण मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के निजी कोष से किया गया है। मंदिर परिसर में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी, उपायुक्त राजेश कुमार पाठक, उप विकास आयुक्त एसएन उपाध्याय ने पौधारोपण भी किया। मौके पर बाबा खोनहर नाथ मंदिर श्राइन ट्रस्ट गिजना की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि बाबा खोनहर नाथ महादेव की कृपा एवं गढ़वा की जनता के आशीर्वाद से गढ़वा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसे वे आजीवन नहीं भूल सकते। गढ़वा के विकास का सपना को वे हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि गढ़वा की हर छोटी बड़ी समस्या से अवगत हैं। गढ़वा को विकास के पथ पर सबसे ऊपर पायदान पर पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। वे पूरी निष्ठा से संकल्प के साथ गढ़वा के विकास में तन मन धन से लगे हुए हैं। कोरोना के भयावह संक्रमण काल में भी जनता से विमुख नहीं हुए, हमेशा जनता के साथ जुड़कर रहे। मंत्री ने बाबा खोनहर नाथ से अपने राज्य देश सहित संपूर्ण विश्व से कोरोना महामारी को समाप्त कर अमन चैन प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में झारखंड सबसे गरीब राज्य होने एवं काफी कम संसाधन होने के बावजूद काफी बेहतर तरीके से मुकाबला किया। झारखंड का डंका भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजा। कार्यक्रम में मंत्री ने सड़क निर्माण के भूमि दानकर्ता रामप्रसाद यादव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया। मौके पर मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार, गढ़वा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा, परशुराम तिवारी, परेश तिवारी, गढ़वा नगर पंचायत अध्यक्ष पिंकी केसरी, श्राइन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी, संजय तिवारी, दिलीप तिवारी, सचिता तिवारी, झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा अंजलि गुप्ता, प्रवक्ता धीरज दुबे, कंचन साहू, नितेश सिंह, नवीन तिवारी, देवराज उपाध्याय, राजकिशोर यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपके शहर गढ़वा स्टेशन रोड में होटल आरडीएस इन में ठहरने का उत्तम व्यवस्था, साफ सफाई में लाजवाब, 35 कमरा सिंगल बेड एवं डबल बेड, एसी युक्त बेहतरीन गैलरी, बड़ा मीटिंग हॉल, शादी विवाह मीटिंग पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित। होटल आरडीएस इन, प्रोप्राइटर पूनम कास्कार। पता होटल आरडीएस इन, स्टेशन रोड गढ़वा।